हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर शिवानी हेक्सा हेल्थ से आज आपको हमारे पेशेंट निकिता पे स्टिचेस की ड्रेसिंग करना बताऊंगी। निकिता का कुछ दिन पहले गिरने की वजह से हाथ में चोट लग गई थी, जिसमें उनको हाथों में स्टिचिंग करानी पड़ी। पर निकिता एक कॉरपोरेट में काम करती हैं, इनकी बिजी लाइफ में उनके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि वो बार बार हॉस्पिटल जाएं और अपनी ड्रेसिंग चेंज कराएं। इसलिए आज हम निकिता को भी बताएंगे कि कैसे उनको अपनी स्टिचेस की ड्रेसिंग चेंज करनी है, और इसके साथ साथ हम आपको भी सिखाएंगे। आइए देखते हैं कि स्टिचेस की ड्रेसिंग करते कैसे हैं। स्टिचेस की ड्रेसिंग करना नॉर्मल ड्रेसिंग करने से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि स्टिचेस की ड्रेसिंग जहां हम करते हैं वहां घाव थोड़ा गहरा होता है, और जिस त्वचा के ऊपर हम ड्रेसिंग कर रहे हैं वहां पर ऑलरेडी टेंशन क्रिएटेड होता है स्टिचेस के कारण। स्टिचेस की ड्रेसिंग करने के लिए आपको हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप स्टिचेस की ड्रेसिंग करते हैं तो इंश्योर कीजिए आपको अपने हाथों को साबुन से धोना है, धोने के बाद आपको अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, और फिर ग्लव्स पहनने हैं। अब मार्केट में ग्लव्स अलग अलग तरह के अवेलेबल हैं, लेकिन जब आप स्टिचेस की ड्रेसिंग कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्टराइल ग्लव्स यूज़ करने हैं, जो इस तरह से पैकेट में आते हैं। आपको ये स्टराइल ग्लव्स किसी भी मेडिकल शॉप पे इजीली मिल जाते हैं। स्टराइल ग्लव्स को पहनने का भी एक तरीका होता है। स्टराइल ग्लव्स के पैकेट को आपको टियर करना है। इसमें से आपको ऐसे ग्लव्स मिलेंगे जो पैक्ड होंगे। इन ग्लव्स के पैकेट को जब आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर लेफ्ट और राइट लिखा हुआ दिखेगा। इस लेफ्ट और राइट वाले सेक्शन में से आपको जो भी आपको लगता है वो पहले सेक्शन ओपन करना है। याद रखिएगा, ग्लव्स को टच बिल्कुल ना करें अपने बेयर हैंड से। इस पैकेट को ओपन करने के बाद ग्लव्स ऐसे फोल्डेड होते हैं, जहां पे फोल्ड वाला एरिया है आपको ग्लव्स सिर्फ वहीं से पकड़ना है। इस ग्लव्स को आप अपनी थंब और इंडेक्स फिंगर के साथ स्टार्ट करेंगे पहनना। आपको दूसरे हाथ से इसको होल्ड करना है। आपको सबसे पहले अपनी थंब को डालना है और फिर आपकी बाकी उंगलियां इसमें एडजस्ट हो जाएंगी। जो एंड है ग्लव्स का, उसको आप ऐसे नीचे पुल कर लेंगे। ऐसे ही आपको लेफ्ट हैंड का ग्लव्स पहनना है, थंब एंड देन इंडेक्स फिंगर, एंड देन आप ग्लव्स को पहन लेंगे। नाउ ग्लव्स आर रेडी। ये जो पैकेट है जिसके अंदर हमारे ग्लव्स आए थे, ये पैकेट भी स्टराइल होता है। आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं अपने गॉज पीसेस रखने के लिए। जब हम ड्रेसिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तो वो वेस्ट आप इसमें रखकर एंड डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, ताकि आपका इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। इस पेपर को हम यहाँ साइड में रख लेते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जो स्टिचेस के ऊपर ड्रेसिंग है इसको रिमूव करने के प्रोसेस से। जब इसको हटाएंगे तभी नई ड्रेसिंग कर पाएंगे। इसको रिमूव करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है जो ये ड्रेसिंग है इसके ऊपर टेप किस तरह की लगी हुई है। अगर ये टेप आपकी वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है तो आपको सलाइन या फिर डिटॉल ऐसे सॉल्यूशन को यूज़ करते हुए इसको मॉइस्ट करना है। मॉइस्ट करना क्यों ज़रूरी है? अगर आप डायरेक्ट इस टेप को ऐसे पुल करेंगे तो आपके स्टिचेस के ऊपर फोर्स आएगा। फोर्स आने के कारण जो आपका घाव है उसके अंदर जो हीलिंग हुई है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आपको कोई भी एक गॉज पीस लेना है। गॉज पीस को आप वेट करेंगे डिटॉल के साथ, या अगर आपके घर में डिटॉल नहीं है तो आप सलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ऐसे वेट करेंगे। वेट करने के बाद आपको अपनी टेप को, पेपर टेप को, इसको ऐसे ऐसे मॉइस्ट करना है। मॉइस्ट, जैसे ही आप इसे मॉइस्ट करेंगे ये अपना गम छोड़ता जाएगा। देखिए,
जैसे आप देख रहे हैं ये टेप खुद ही हटना शुरू हो जाएगा, तो पेशेंट को पेन भी नहीं होगा एंड इसका रिमूवल इजी रहेगा। आई होप निकिता यू आर कंफर्टेबल। ओके ग्रेट। अब हम इसको ऐसे रिमूव करेंगे। जैसे ही ये रिमूव करेंगे, दूसरी साइड से रिमूव करना इजी हो जाता है बिकॉज अब स्टिचेस के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। आप इसको रिमूव कीजिए, इसको आप जो हमने पेपर रखा था उसमें डिस्पोज कर सकते हैं। अब हम फ्रेश गॉज पीस लेंगे। उस गॉज पीस से हमको हमारा जो स्टिचेस के आसपास का जो एरिया है उसको क्लीन करना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो स्टिचेस वाला एरिया है ये एरिया इस टाइम बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम स्टराइल मेंटेन नहीं करेंगे अपने आसपास के एरिया को तो ये और भी ज़्यादा इन्फेक्ट हो जाएगा। आपको इस स्टिचेस के एरिया को दो पार्ट्स में क्लीन करना है। सबसे पहले हम गॉज में आयोडीन सॉल्यूशन लगाएंगे। अगर आपके पास आयोडीन सॉल्यूशन क्रीम फॉर्म में या फिर आपके पास जेल फॉर्म में भी है तो भी कोई इशू नहीं है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसको आपके गॉज पीस पे लगाएंगे, स्टराइल गॉज पीस पे। अब आपको इस गॉज पीस से सबसे पहले स्टिचेस के सर्कमफेरेंस पे जो चारों तरफ का एरिया है पहले उसको क्लीन करना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो क्लीन करने का तरीका है वो वन स्ट्रोक क्लीन होना चाहिए। कहने का मतलब, अगर आपने इस पॉइंट से स्टार्ट करा है क्लीन करना तो आप एंड भी यहीं करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर क्लीनिंग एंड गो इन वन सर्कल एंड स्टॉप। नाउ आपको ये वापस रिपीट नहीं करना है क्योंकि हमने इस एरिया की गंदगी को हटाया है, वापस हम उसको साफ करे हुए एरिया में नहीं लेकर जाएंगे। अब आपको इस गॉस पीस को रख देना है। अगर आपको लगता है कि अभी सर्कमफेरेंस पूरा क्लीन नहीं हुआ है, एरिया ज़्यादा है, तो आप और भी गॉस पीसेज यूज़ कर सकते हैं। दूसरे पार्ट में हम जहाँ पर स्टिचेस हैं उस एरिया को क्लीन करेंगे। उसके लिए आप दूसरा गॉस पीस लेंगे, उस गॉस पीस पे बीटाडीन लगाएंगे। बीटाडीन लगाने के बाद बहुत हल्के हाथ से ऐसे डैब करेंगे। डैब करने के साथ साथ आप इसको हल्का सा बाहर की तरफ पुश करेंगे ताकि जो भी गंदगी है वो बाहर की साइड एक्यूमुलेट हो जाए। जैसे ही बाहर की साइड आ जाएगी आपको फिर वही एक स्ट्रोक में उसको क्लीन कर देना है। आपको समझ आया निकिता, करना आपको ही है। अब हम इस क्लीन एरिया पे फ्रेश गॉस पीस लगाएंगे। रिमेंबर, कॉटन नहीं लगाना है, स्टिचेस वाला एरिया है, ओपन है। अगर कॉटन यूज़ करेंगे, कॉटन के जो छोटे छोटे रेशे होते हैं वो यहीं पर चिपक जाएंगे। अगर वो यहाँ चिपक गए आप इन्फेक्शन को बढ़ावा देंगे। हम गॉज ही यूज़ करेंगे। गॉज पीस को आप चाहें तो स्प्रेड कर सकते हैं अगर एरिया ज़्यादा है तो, नहीं तो आप इसको फोल्डेड भी लगा सकते हैं। आप इस गॉज पीस को इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। उसके बाद जो पेपर टेप हमने हटाई थी वैसी ही पेपर टेप आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। इसको माइक्रोपोर टेप भी बोलते हैं। अगर ये टेप ना हो तो आप सर्जिकल टेप भी ले सकते हैं, वो थोड़ी सी इससे थिक होती है। आप इसको लेंगे, जस्ट मेज़र कि आपकी जो गॉज पीस है उससे 2-2 सेंटीमीटर्स ही बाहर हो आपका टेप, ताकि पेशेंट को दिक्कत ना हो अपने डेली के काम करने में। इसको हम टेयर करेंगे एंड देन हम इसको इस पे लगा देंगे। नेवर प्रेस द मिडल एरिया ऑफ द टेप, क्योंकि यहीं पर आपके पेशेंट का घाव है। आप इसको साइड से ऐसे प्रेस करेंगे। अगर पेशेंट को लगता है कि ज़्यादा हिंड्रेंस आ रही है गॉस की वजह से तो आप दूसरी टेप भी लगा सकते हैं। विल इट बी ओके निकिता, और आई शुड पुट अनदर टेप? ओके, तो आपको ऐसे ड्रेसिंग करना है। ये करने के बाद जो हमारे गॉज पीसेस साइड में आए हैं, जो हमने यूज़ करे हैं, उनको इस पेपर में डिपॉजिट करेंगे। ग्लव्स उतारने के लिए आपको अपने हैंड्स को, फिंगर और थंब को यूज़ करना है। रोल द ग्लव्स लाइक दिस, होल्ड इट इन अनदर हैंड एंड टेक अनदर ग्लव, रैप इट ओवर अनदर एंड देन डिस्पोज इट। अब आप इस पेपर को रैप करके अपने घर में डस्टबिन में सेफली डिस्पोज कर सकते हैं। इससे किसी और को भी इन्फेक्शन नहीं होगा
और आपका जो इन्फेक्टेड गॉजेज हैं वो सेफली डिस्पोज हो गए हैं. आफ्टर दिस यू कैन वॉश योर हैंड, सैनिटाइज योर हैंड एंड वॉट एवर वॉट सूट्स यू. अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको स्टिचेस की ड्रेसिंग करना तो आ ही गया होगा. अब आप अपनी भी कर सकते हैं और जब अगर कभी भी घर में किसी को ज़रूरत पड़ती है तो आप ड्रेसिंग कर सकते हैं. दूसरी चीज़, कई बार ऐसा होता है स्टिचेस कराने के बाद लोगों को मिसकंसेप्शन होता है, शायद आपको नहीं है लेकिन कई लोगों को होता है कि स्टिचेस कराने के बाद चावल नहीं खाना है, स्टिचेस कराने के बाद हमें नहाना नहीं है. चावल ना खाने का और स्टिचेस लगने का कोई रिलेशन नहीं होता है. आपको जो खाना है आप खा सकते हैं. डॉक्टर सिर्फ इतना बोलते हैं कि जब आपको स्टिचेस आपके एब्डोमेन एरिया में लगे हैं तो आप एक्सेसिव ईटिंग ना करें. एक्सेसिव ईटिंग करने से फूड पॉइजनिंग या इन सब चीज़ों की दिक्कत होती है और अगर ऐसा हुआ तो आपकी स्टमक मसल्स पे अफेक्ट आएगा. अगर उस पे अफेक्ट आएगा तो आपके स्टिचेस में प्रॉब्लम हो सकती है. दूसरी चीज़, आपको अगर स्टिचेस लगे हैं तो आपको डेली नहाना चाहिए. नहाने से आपका हाइजीन मेंटेन होता है. अगर आप नहा रहे हैं और आपकी ड्रेसिंग रिमूव हो जाती है तो आप ड्रेसिंग तो फिर से कर सकते हैं, क्योंकि अब तो हमें पता भी चल गया है करना कैसे है ड्रेसिंग. तो इसलिए नहाना आपको रोज़ है. उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत काम आएगा. अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा. लाइक तो आप कर ही देंगे और हमारे चैनल हेक्सा हेल्थ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.